हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू लेसन फ्रेजल वर्ब्स। एंड इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। कि फ्रेजल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें वर्ब के बाद एक एडवर्ब पार्टिकल लगा होता है। याद रखिए, क्या होता है एडवर्ब पार्टिकल, यानी कि यदि हम एडवर्ब पार्टिकल को चेंज करते हैं तो उस वर्ब का जो मीनिंग होता है, जो सेंस होता है, वो डिफरेंटली टोटली बदल जाता है। याद रखिए, आप जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पहली वर्ब की बात करें कि जो एक्ट ऑन है, तो यहाँ पर आप एक्ट तो आपकी होगी वर्ब, लेकिन आप ऑन को प्रपोजिशन नहीं बोल सकते। याद रखिए, क्योंकि प्रपोजिशन जो यूज होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताने के लिए। और यहाँ पर एक्ट ऑन में ना तो कोई नाउन है और ना ही कोई प्रोनाउन है, ये वर्ब के साथ फॉलो होती हैं वर्ब्स, और ये वर्ब की स्थिति को बताती हैं। और जब वर्ब की कोई विशेषता बताता है तो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। इसीलिए फ्रेजल वर्ब के बाद जितने भी आपको जो प्रपोजिशंस समझ में आते हैं, वो एक्चुअली में प्रपोजिशंस नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स, यानी कि ये एक एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं। याद रहे हमेशा सेंटेंस में, यदि आपको अंडरलाइन करके कई बार पूछ लिया जाए कि एट अपॉन में अपॉन क्या है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये एडवर्ब्स, स्मॉल एडवर्ब्स होते हैं, है ना, इन्हें हम स्मॉल एडवर्ब्स बोलते हैं। ये एडवर्ब है ना कि ये प्रपोजिशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है आपके लिए कि इसे आप एडवर्ब्स बोलें। चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को, जिसमें आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ओके, तो पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है एक्ट ऑन। दोस्तों, एक्ट ऑन मीन्स क्या होता है, एक्ट ऑन, एक्ट मतलब होता है कार्य करना, लेकिन अकेला किसी सेंटेंस में एक्ट होगा तो कार्य करने से अर्थ आएगा, लेकिन यदि एडवर्ब पार्टिकल उसके साथ जुड़ा होगा तो एक्ट ऑन मीन्स होता है असर करना। जैसे एसिड एक्ट्स ऑन मेटल्स, यानी एसिड मेटल पर असर करता है या प्रभाव डालता है, ये ध्यान रखिए। चलिए सेकेंड वर्ब है वो है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मीन्स होता है सुझाव पर चलना, यानी किसी ने आपको एडवाइस दे दी और आप उसी की एडवाइस के अकॉर्डिंग कोई काम करने लगे। एग्जाम्पल देखें, वी फेल्ड, हम असफल हो गए एज, यहाँ पर ये कंजेंशन है, याद रखिए कंजेंशन है, और ये किसका काम कर रहा है, कौन सा कंजेंशन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन बता रहा है ये, ठीक है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बता रहा है एज, यानी यहाँ पर एज का अर्थ बिकॉज से है, याद रखें। तो वी फेल्ड, हम असफल हो गए क्योंकि वी डिड नॉट एक्ट अपॉन योर एडवाइस, क्योंकि हमने आपकी सलाह के अनुसार कोई काम नहीं किया, आपने जो सलाह दी थी उस पर हम नहीं चले। तो यहाँ पर एक्ट अपॉन का अर्थ क्या होगा, आपका सुझाव पर चलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब है सेकेंड हमारी, वो है अकाउंट। अकाउंट के बाद यदि फोर प्रपोजिशन आए, आप इन्हें याद भी कर लीजिए, आपको इसी तरह से याद करनी पड़ेगी कि अकाउंट के बाद जब हम फोर प्रपोजिशन लगाते हैं तो उसका मीन्स होता है कारण बताना, ठीक है। और यहाँ पर फोर क्या है आपका, मैंने पहले भी बोला है कि ये आपका एडवर्ब है या फिर ये एडवर्ब पार्टिकल है। ओके, कैन यू अकाउंट फॉर हर रूड बिहेवियर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है क्या आप उसके रूड बिहेवियर का कारण बता सकते हैं, तो अकाउंट फॉर मीन्स क्या है, कारण बताना। ओके, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब, वो है आस्क। आस्क मीन्स क्या होता है, वैसे तो पूछना होता है, ठीक है, कब होता है, जब ओनली आस्क कहीं लगा हो तब, लेकिन उसके बाद प्रपोजिशन यानी फ्रेजल वर्ब आस्क फॉर लिखी हो तो आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, ठीक है। तो द यूनियन आस्क्ड फॉर मोर पे, यानी यूनियन ने ज़्यादा पेमेंट मांगा, है ना, ये अर्थ होगा यहाँ पर। चलिए और देखते हैं, अपनी फ्रेजल वर्ब है फोर्थ नंबर की बैक। बैक मतलब क्या होता है, पीछे होना, लेकिन बैक के बाद यदि कहीं आउट प्रपोजिशन लगा हो तो उसका मीन्स होता है वचन से फिर जाना, यानी अपनी बात से मुकर जाना। सी बैक आउट ऑफ हर प्रॉमिस, यानी वह अपने प्रॉमिस से मुकर गई, यानी जो प्रॉमिस किया था उससे पलट गई। तो यहाँ पर बैक आउट आपकी फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन्स है वचन से फिर जाना। नेक्स्ट है बैकअप। बैक मीन्स क्या होता है, वही मैंने भी बताया, पीछे होना, लेकिन अब प्रपोजिशन लगा हो तो उसका मीन्स होता है सहारा देना। ही इज ऑलवेज रेडी टू बैक अप हिज फ्रेंड्स, यानी वह हमेशा अपने दोस्तों को सहारा या सहायता देने के लिए तैयार रहता है। तो बैकअप मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, सपोर्ट, याद रखिए बैकअप मीन्स सपोर्ट, ठीक। चलिए ओके, नेक्स्ट है अपनी फ्रेजल वर्ब फिफ्थ नंबर की,
बैंक। अब बैंक के साथ यदि ऑन प्रपोजिशन ऐड कर दिया जाए तो बैंक ऑन मीन्स होता है विश्वास करना, यानी बिलीव। ठीक है, ओके। तो एग्जांपल देखें, यू कैन बैंक ऑन योर वाइफ, यानी आप अपनी वाइफ पर भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी, बी ई बी, ठीक, यहाँ पर ए ही बी है, डबल ओ डी, ओके। बी, बी ऑफ, बी ऑफ मीन्स होता है प्रस्थान करना या डिपार्चर, ओके। तो ही मस्ट बी ऑफ नाउ, ही मस्ट बी ऑफ नाउ मतलब उसे अब जाना चाहिए। बी ऑफ मीन्स होता है डिपार्ट, ओके। नेक्स्ट है सेवन नंबर की हमारी बार, वो है बियर। बियर मीन्स होता है सहना, ठीक है, या टॉलरेट, बियर, ओके। तो यहाँ पर जो फ्रेयल वर्ब है वो है बियर अवे। वियर अवे मीन्स होता है प्राप्त करना, यानी कैट। एग्जाम्पल देखें, आई बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, यानी मैंने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया, दैट मीन्स आई गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। तो वियर अवे मीन्स होता है गॉट। आपको इस तरह से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मीनिंग्स इनके। नेक्स्ट है बियर, बियर डाउन, बियर अवे मीन्स होता है प्राप्त करना, एंड बियर डाउन मीन्स होता है किसी चीज को सप्रेस कर देना, दबाना, ठीक है। राम वाज सक्सेसफुल इन बियरिंग डाउन द अपोजिशन पार्टी, यानी राम अपोजिशन पार्टी को दबाने में या उसको सप्रेस करने में सफल हुआ। तो यहाँ पर क्या है आपका, बियर डाउन मीन्स होता है सप्रेसिंग। नेक्स्ट है बियर ऑफ, बियर ऑफ मीन्स क्या होता है देखिए, बियर ऑफ मीन्स होता है किसी चीज को लेकर के चले जाना, ओके। डिफरेंट प्रपोजिशन चेंज होते जाएंगे, यानी कि ये जो एडवर्ब पार्टिकल डिफरेंट होते जाएंगे तो उस प्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है वो भी चेंज होता चला जाता है। तो बियर ऑफ मीन्स होता है लेकर के चले जाना। तो ही बोर ऑफ द प्राइज एंड वेंट होम, यानी कि उसने अपना प्राइज लेकर के वह कहाँ चला गया, घर चला गया, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर की बियर की अपनी प्रेजल वर्ब, बियर आउट। बियर आउट मीन्स होता है साबित करना, ठीक है, सिद्ध करना। तो एग्जाम्पल है, कैन यू बियर आउट व्हाट यू से, क्या तुम साबित कर सकते हो जो तुम कहते हो। तो इसका ये मीनिंग हो रहा है, यहाँ पर बियर आउट का मतलब क्या होता है, साबित करना, यानी ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस में बियर के साथ आउट प्रपोजिशन होगा, यानी जो आपका आउट एडवर्ब पार्टिकल होगा, तो आपका यही अर्थ होगा साबित करने से। नेक्स्ट है बियर अप, बियर अप मीन्स होता है सहन करना। द न्यूज ऑफ हिज डेथ वाज अ ग्रेट शॉक टू मी व्हाट आई बोर अप, यानी उसकी जो डेथ की न्यूज थी वो बहुत बड़ा सदमा थी मेरे लिए, लेकिन मैंने उसे सहा। नेक्स्ट प्रेजल वर्ब है बियर अपॉन, बियर अपॉन मीन्स होता है सही होना, और इसका जो एग्जांपल है वो है योर रिमार्क्स डू नॉट बियर अपॉन द मैटर इन हैंड, यानी कि तुम्हारी जो रिमार्क्स हैं वो इस मैटर को क्या नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट है बियर विद मीन्स होता है सहन करना, ठीक है, और इसका एग्जांपल देखें, आई कुड नॉट बियर विद हिज वॉयलेंट टेम्पर, यानी मैं उसकी वॉयलेंट टेम्पर को सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एट नंबर की हमारी फ्रेजल वर्ब ब्लो, ब्लो मीन्स क्या होता है आपका, ब्लो मीन्स बजाना होता है, लेकिन ब्लो के साथ यदि हम आउट लगा दें तो इसका मतलब होता है बुझाना, ओके। तो यहाँ पर है आपका ब्लो आउट, ब्लो आउट मीन्स क्या होता है, बुझाना, जैसे द विंड ब्लू आउट द कैंडल, यानी हवा ने कैंडल को बुझा दिया। तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट, जिसका मीन्स होता है बुझाना, ओके। नेक्स्ट है ब्लो ओवर, ब्लो ओवर मीन्स होता है नरम पड़ना, यानी किसी के साथ नरमी से पेश आना। तो हर एंगर विल सून ब्लो ओवर, हर एंगर विल सून ब्लो ओवर मीन्स कि उसका जो गुस्सा है बहुत ही जल्दी क्या हो गया, नर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी फ्रेजल वर्ब ब्रेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आई हुई भी है। ब्रेक अवे, ब्रेक अवे मीन्स होता है किसी के चुंगल से भागना। द थीप ब्रॉक अवे फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, यानी चोर पुलिस की कस्टडी से भाग गया। तो ब्रोक अवे मीन्स क्या हो जाएगा आपका, किसी के कैद से भाग जाना। नेक्स्ट है वर्ब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन स्पेशली मशीनरी के लिए प्रयोग करते हैं, यानी इसका मीन्स होता है स्टॉप फंक्शनिंग,
स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक है, कोई चीज़ कार्य करना बंद हो जाए। तो ही ब्रॉट डाउन इन द मिडस्ट ऑफ हिज स्पीच, वह अपनी स्पीच के बीच में ही रुक गया, ठीक है। स्पेशली ये मशीनरी के लिए बहुत यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है ब्रेक फ्रेजल वर्ब का आपका ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स होता है सेंध लगाना, यानी चुपचाप किसी के घर में घुस जाना। ए थीफ ब्रॉट इनटू माय हाउस, ये चोर मेरे घर में घुसा, यानी उसने सेंध लगा दी। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स होता है फैलना। कॉलेरा हैज ब्रॉटन आउट इन द सिटी, यानी कॉलेरा शहर में फैल गया है। तो ब्रेक आउट मीन्स क्या होता है, फैल जाना बहुत ही स्पीड से, ये भी याद रखें। ब्रेकअप, ब्रेकअप मीन्स होता है तितर बितर होना या फिर अलग अलग हो जाना। सीन द पुलिस द मोब ब्रोक अप, पुलिस को देखते ही जो भीड़ थी वो क्या हो गई, तितर बितर हो गई। नेक्स्ट है ब्रेक विद। ब्रेक विद मीन्स होता है संबंध तोड़ना, रिलेशन टू स्टॉप रिलेशनशिप, ठीक है। आई ब्रॉक विद हर, मैंने उससे संबंध तोड़ लिया बिकॉज सी चीटेड मी, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर हमारी 10 नंबर की बार ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, वैसे होता है लाना किसी चीज़ को, फेज, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम एडवर्ब पार्टिकल यूज कर दें तो इनके डिफरेंट मीनिंग्स होंगे। जैसे ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है उत्तरदायी होना, यानी बी रिस्पॉन्सिबल किसी चीज़ का उत्तरदायी होना। तो हर केयरलेसनेस हैज ब्रॉट अबाउट फेलुअर इन हर लाइफ, यानी उसके केयरलेसनेस की वजह से वह अपने जीवन में क्या हुई, फेलुअर हुई, यानी केयरलेसनेस उत्तरदायी उसके जीवन में असफल होने का। नेक्स्ट है ब्रिंग फोर्थ, काफ़ी कई बार आया हुआ भी वर्ड है ये। इसका मीन्स होता है उत्पन्न करना। ए गुड ट्री ब्रिंग्स फोर्थ गुड फ्रूट, यानी एक अच्छा पेड़ अच्छे फल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड, एंड ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स होता है प्रस्तुत करना, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल को देखें, ही ब्रॉड फॉरवर्ड ए फ्रेश प्रपोजल, उसने नए प्रपोजल को प्रस्तुत किया, ब्रिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट है ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर मीन्स होता है अपने पक्ष में करना, यानी अपनी साइड कर लेना। हैविंग ब्रॉड ओवर चाणक्य टू हिज साइड, चंद्रगुप्त प्रोसीडेड टू किल हिज अदर एनिमी, यानी कि चंद्रगुप्त को अपने पक्ष में करने के बाद, चाणक्य को अपने पक्ष में करने के बाद चंद्रगुप्त ने अन्य कई दुश्मनों को मारने के लिए आगे बढ़ा। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब अपनी ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मीन्स होता है समझाना किसी को। द मैनेजर विल ब्रिंग राउंड हिज एम्प्लॉयज टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, यानी मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को समझाया कि उसके इंस्ट्रक्शन को माने। एंड नेक्स्ट है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर मीन्स होता है काबू पाना। तो द फायर वाज इजली ब्रॉट अंडर बाई द फायर फाइटर्स, यानी आग को जल्दी ही आसानी से फायर फाइटर के द्वारा क्या कर लिया गया, काबू पा लिया गया उस पर। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, काफ़ी आई है। ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। एंड सी ब्रॉट हर चिल्ड्रन टू बी ट्रूथफुल, यानी वह अपने बच्चों का ईमानदारी से क्या करती है, पालन पोषण उसने किया। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। और क्लास आज आपकी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।